व्हाट्स अप दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसिव इनकम की दुनिया। मैं हूँ कासिम और आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक नया वीडियो जहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आंसर करूँगा और साथ ही आपको एक नया अपडेट भी देना है, खास करके कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस में चेंजेस होने वाले, बढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। पिछले 3 महीने से मैं काफ़ी बिजी था, खास करके नए काफ़ी सारे हमारे नए इन्वेस्टर्स आ रहे, क्लाइंट्स आ रहे जिनको कंटेनर्स खरीदना था, तो वो सब प्रोसेस करने के सिलसिले में मैं बहुत बिजी था। और फिर US भी जाने का जो है मेरा प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है हर मतलब कुछ महीने मैं दुबई में गुजारता हूँ, फिर कुछ महीने मैं अमेरिका में गुजारता हूँ। तो एनीवे, मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे वीडियो बनाना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत इंक्वायरीज आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन है लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव प्लान और शॉर्ट टर्म एग्रेसिव प्लान को लेके, तो वो मैं क्लियर करूँगा आज के वीडियो में। और साथ ही आपको दूसरा भी अपडेट दूंगा, वो है प्राइस इंक्रीज़ के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस इंक्रीज़ के बारे में। तो आप जो लोग मुझे पिछले एक दो हफ्ते से जो कॉन्टैक्ट कर रहे थे और जो अभी भी मतलब स्टक होकर बैठे हुए हैं, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, आप लोगों के लिए खास करके ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सितंबर 10 तारीख से 20 फीट कंटेनर्स का जो प्राइस है वो $3,100 बढ़ने वाला है। जी हाँ, $2,410 सिर्फ इस महीने के एंड तक नहीं, सितंबर 10 तारीख तक है। सितंबर 10 तारीख के बाद वो हो जाएगा $3,100 जो हमारे मैन्युफैक्चरर ने हमको बताया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। एनीवे, अभी मैं पहले स्टार्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव प्लान के बारे में, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म एग्रेसिव प्लान, ताकि ये कन्फ्यूजन सबको दूर हो जाएगा। ओके, एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव प्लान जो है उन लोगों के लिए है जो लंबे टाइम तक कंटेनर से रेंट कमाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो रेंट्स जो मिलेंगे इनका जो रिटर्न है थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको साल का 20-25% रिटर्न्स ही मिलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये उन लोगों के लिए सही है जो रिटायरीज हैं, जो रिटायरमेंट के बारे में अभी सोच रहे हैं, जिनको अपना पैसा FD में नहीं रखना है या बैंक में ऐसे खाली पीली नहीं रखना है, तो इन लोगों के लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको साल का 20-25% तक मिलेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 5 साल से 10 साल तक का आप बना सकते हो, तो मिनिमम 5 साल का होता है और मैक्सिमम 10 साल का होता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव प्लान। होप सब क्लियर है अभी। ठीक है, अगर नहीं तो रिवाइंड करके ये वीडियो दोबारा देख लीजिए। अब बात करता हूँ शॉर्ट टर्म एग्रेसिव प्लान के बारे में। शॉर्ट टर्म एग्रेसिव प्लान जो है वो 3 साल का होता है मैक्सिमम, लेकिन ओपन कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हर 12 महीने उसको रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिनिमम 3 कंटेनर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 20 फीट कंटेनर्स, आपको साल का 110-120% का रिटर्न्स मिलेगा। ठीक है, साल का जी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स आपको मिलेगा। और महीने का आपको 3 ट्वेंटी फिट कंटेनर्स का आपको महीने का मिलेगा 50,000 से 60,000 रुपये। ठीक है, 50,000 to 60,000 रुपीज़ आपको मंथली मिलता रहेगा एज रेंट, जो आपके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री। दुनिया की कोई भी कंट्री में आप क्यों नहीं रहते हो, आपको आपके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स में मिलेगा। ठीक है, हाँ, एक्सेप्ट इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, अगर आप इन कंट्रीज़ में रह रहे हो वहाँ पे हम नहीं भेज सकते, लेकिन होपफुली आप पॉलिटिकली डिस्टर्ब कंट्रीज़ में नहीं रह रहे हो, एज लॉन्ग एज आप अच्छे कंट्रीज़ में रह रहे हो जहाँ पे मतलब कुछ इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको आपके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स में वो रेंट भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये था शॉर्ट टर्म एग्रेसिव प्लान। अब मुझसे पूछे जाते हैं लोग मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हमें कौन सा वाला प्लान लेना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा, अगर आप रिटायरी हो या रिटायरमेंट के बारे में प्लान करो तो आपके लिए शायद लॉन्ग टर्म एग्रेसिव प्लान सही रहेगा। अगर आपको एकदम फिक्स वाला प्लान चाहिए, एग्रेसिव जो शॉर्ट टर्म एग्रेसिव प्लान है वो भी फिक्स वाला प्लान है, लेकिन यहाँ पे आपको रिन्यू करते रहना पड़ेगा हर साल, क्योंकि ओपन कॉन्ट्रैक्ट है और मैक्सिमम 3 साल तक इसको रिन्यू कर सकते हो। और सिर्फ 3 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों रहता है उसका भी रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो हमसे ये शॉर्ट टर्म के जो कंटेनर्स लेते हैं उनको ब्रांड न्यू कंटेनर्स ही चाहिए, तो जितना नया कंटेनर होगा उतने हिसाब से हम अच्छा किराया उसे चार्ज कर पाएंगे। जी हाँ, अगर कंटेनर पुराना हो जाता है, अगर उस पर जंक लगता है, तो ऑटोमेटिकली हम उन लोगों से उतना अच्छा किराया चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंटेनर चकाचक हो, ब्रांड न्यू हो, तो उसके हिसाब से हम उन लोगों से अच्छा किराया ले सकते हैं। ठीक है,
और 3 साल के बाद क्या होता है, 3 साल के बाद हम वो कंटेनर सेकेंड हैंड या स्क्रैप डीलर को बेच देते हैं और उधर से भी जो पैसा मिलता है वो आपको रिटर्न हो जाता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट 3 साल में आप 360% का रिटर्न बना सकते हो, प्लस आपको कंटेनर्स का रीसेल प्राइस भी वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए सही है जिनको अच्छा रिटर्न बनाना है, मतलब 3 साल के अंदर। एंड द सेम टाइम अगर आपको कंटेनर्स ऐड करके ग्रो करते रहना, आप वो भी कर सकते हो। हाँ, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो मिनिमम 3 से आप स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप 50 कंटेनर्स ले सकते हो 1 साल में। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब एक इंडिविजुअल के नाम पे या एक कंपनी के नाम पे, बेसिकली इन शॉर्ट। तो होप गाइस मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर लिए। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं दोबारा बात करूंगा, वो है कंटेनर प्राइस इंक्रीज। स्टार्टिंग सितंबर 10 तारीख से हमारा जो मैन्युफैक्चरर है जो टेक्सास में है वो प्राइसेस इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, और इसलिए अगर आप में से कोई ये जो करंट एग्जिस्टिंग प्राइस जो चल रहा है अभी मार्केट में, अगर उससे आपको ज्वाइन करना है तो जल्द से ज्वाइन कर लीजिए। सितंबर 10 तारीख के बाद $3,100 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मुझे कांटेक्ट करके मत बोलना सर डिस्काउंट दीजिए, कुछ कीजिए, यू नो हमारे लिए कुछ स्पेशल ये सब अरेंजमेंट कीजिए, कुछ नहीं कर सकता। फिक्स प्राइस है, कोई नेगोशिएशन इस पर बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं फिर यू नो मतलब अननेसेसरी बातचीत करके टाइम ख़राब कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ वेरी क्लियरली अभी बताने वाला आपको, अभी मेरे जो मैनेजर है वो आपको वेरी क्लियरली मैसेज करेंगे और आपको बोलेंगे अगर आप सीरियस हो तो ही बातचीत आगे बढ़ाओ। ठीक है, एकदम स्टार्ट से एकदम वेरी स्पेसिफिक और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट है और सितंबर 10 तारीख के बाद तो $10,000 के ऊपर होने वाला है, क्योंकि अगर आप 3 कंटेनर का हिसाब करेंगे और जिसका $3,100 होने वाला है सितंबर 10 के बाद, तो मिनिमम $10,000 के ऊपर ही रहेगा। और अगर आप ये सब चीज़ें बताने के बाद अगर आप बोलोगे अब मैं सोच के बताऊंगे, मैं ये सब करूँगा, यू नो ये सब करूँगा, सीधा आपको ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ कांटेक्ट करना अगर आपने, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको इन्वेस्ट करना तो ही। हाँ, लेकिन अगर और मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके पास वो फंड होना चाहिए। खाली बिली मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई चिटचैट नहीं कीजिए मेरे साथ। ठीक है, और आप अपना भी टाइम ख़राब मत कीजिए। ठीक है, आप अपने भी टाइम को आप यू नो वैल्यू करके कुछ अच्छा कुछ कीजिए, मेरे टाइम का भी इज्जत कीजिए। ठीक है, तो बेकार में मुझे कांटेक्ट करके मेरा टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप सीरियस हो तभी मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है, तो होप मैंने ये चीज़ के एकदम क्लियर कर दिया। मिनिमम आपको अगर स्टार्ट करना है 3 कंटेनर्स आपको स्टार्ट करना है। प्राइसेस सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, यू नो चीज़ें क्लियर होने तक मुझे कॉन्टैक्ट तभी करना अगर आप सीरियस हो आगे बढ़ने के लिए और आप अफोर्ड कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, होप क्लियर एवरीथिंग। बस बाकी सब अच्छा जा रहा है, काफ़ी बिजी हूँ, काफ़ी लोगों का डॉक्यूमेंट्स और मेरी मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टीम बहुत अच्छी है, यू नो उधर अमेरिका में जो सभी है चीज़ें हैंडल कर रही है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बस हमें जो है ज़्यादा अपने कंटेनर्स बढ़ाने हैं अपने फ्लीट में और आगे लेके जाने चीज़ों को। तो होपफुली गाइस अगर आपको पैसिव इनकम बनाना है और अगर आप चाहते हो कि आपको भी एक अच्छा खासा रेंट आए कंटेनर से, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और फिर आपके लिए यू नो सब कुछ हम रेडी करके आगे लेके जाएंगे। ओके गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस।